हेलो एवरीवन दिस इज विपिन हियर आई एम अगेन कैम बैक विद माय न्यू वीडियो ऑन अवर चैनल एजुकेशन हाइक एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट ऑफ राइज ऑफ़ नेशनल इन यूरोप तो स्टूडेंट देखिए जैसा कि आप सभी ने देखा मैंने पार्ट फर्स्ट कवर किया और वो हमारे चैनल एजुकेशन हाइक पर है जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन नेशनल की डिफिनेशन फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड फैक्ट्स नेशन स्टेट्स के बारे में और थोड़ा बहुत नेपोलियन बोना के बारे में जाना लेकिन जो पार्ट टू है इस पर्टिकुलर पार्ट part में हम लोग मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप इस टॉपिक को अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू क्लास के बारे में लिबरल नेशनलिज्म एंड कस्टम यूनियन के बारे में एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज बैटल ऑफ वाटर इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस पर्टिकुलर पार्ट part में कवर करेंगे ओके okay. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप नए एस्पिरेंट हैं नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो जो भी नई वीडियो हो आप तक पहुँच सके ओके तो आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अब देखिए मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप यूरोप में नेशनलिज की भावना कैसे बनी रीज़न क्या उसके पीछे थोड़ा सा जानते हैं ठीक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी जल्दी समझ में नहीं आता आप लोगों के लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा एक सीधा सा एक सिंपल सा रीज़न था जिसने सभी की के यूरोप के पर्सनस को क्या किया था इंस्पायर किया था ठीक आइडिया आया था कहाँ से आइडिया आया था फ्रेंच रिवोल्यूशन से फ्रेंच के पर्सनस ने सेवनटीन में जब वहाँ पर रिवोल्यूशन किया तो आइडिया सबको वहाँ से मिला था लेकिन इंस्पायर किस चीज़ ने किया था इंस्पायर जिस चीज़ ने किया था उसको अभी हम इस टॉपिक में समझेंगे अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है देयर इज़ अ बिग डाइवर्सिफिकेशन इन ए यूरोपियन अम्पायर ज़ाहिर सी बात है एक कंट्री की बात हो तब तो चलता है लेकिन पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो तब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग अम्पायर हैं अलग अलग स्टेट्स हैं हर एक पर्टिकुलर अंपायर का हर एक पर्टिकुलर स्टेट का अपना अलग कल्चर है अपना अलग लैंग्वेज है ठीक है उनका अपना अपना अलग लाइफ है सब कुछ एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से एकदम ज़्यादा सब क्या एकदम ज़्यादा सबका सब डाइवर्स है अब इस कंडीशन में वो लोग कैसे यूनाइट हो पॉलिटिकल यूनिटी उनके बीच में कैसे बने जब सभी लोगों में लैंग्वेज को लेकर कल्चर को लेकर उनके ट्रेडिशन को लेकर इतना ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन है तो वो लोग पॉलिटिकली यूनाइट कैसे हों यहाँ पे ये टॉपिक था देखिए हैफ़बंग अम्पायर हजबाक अंपायर में जैसे कि आस्ट्रिया हंगरी वगैरह जो भी आपके भूमिया वगैरह जो भी आपके ये पर्टिकुलर स्टेट्स आते थे इन सभी जगहों पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी सेकेंड थिंग लोम्बार दिविनिटिया इन सभी स्टेट्स में आपके इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी ऐसे ही आपके यूरोप में जितने भी स्टेट्स थे जितने भी अलग डायनेस्टिक स्टेट्स थे वहाँ के कल्चर वहाँ की लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में पूरे के पूरे के यूरोप यूरोप के पर्सनस को पॉलिटिकली यूनाइट कैसे किया जाए तो पॉलिटिकली यूनाइट करने के पीछे एक मात्र रीज़न था जिसने इन सभी को यूनाइट किया था और वो ऑनली रीज़न ये था कि हमें डिमोलिश करना है क्या डिमोलिश करना है हमें एम्पीरियर रूल को डिमोलिश करना है और क्या स्टैब्बलिश करना है स्टैब्लिश ए नेशन स्टेट ध्यान दीजिएगा आप लोग फिर से ठीक है नेशनलिज्म का आइडिया फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया था ये तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया और आप लोगों ने बुक को रीड किया वहाँ से भी समझा ठीक लेकिन नेस्लीज का आइडिया फ्रेंच सोल्यूशन से आया था लेकिन उनको इंस्पायर किया किस चीज़ ने था उनको इंस्पायर इसी चीज़ ने किया था कि हमको मल्टी मल्टीडाइनेक्शन सिस्टम को डिमोलिश करना है ख़त्म करना है और नेशन स्टेट को स्टैब्लिश करना है हमें ऐसा देश ऐसा स्टेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए जहाँ पर इनक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन है हमें ऐसा स्टेट चाहिए जहाँ पर सभी पर्सन क्या हों इक्वल हो ओके okay. तो ये एक ओनली रीज़न था जिसने पूरे के पूरे यूरोप के लोगों को इंस्पायर किया ठीक है ताकि उन लोगों के अंदर नेशनल की भावना क्रिएट हो सके पोलिटिकली यूनाइट के यूनाइट हो सकें इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी वो लोग पॉलिटिकली यूनाइट हो सकें आइडिया तो मिला फ्रेंच रिवोल्यूशन से लेकिन उसको उन्होंने क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद क्या कहते हैं डिमोलिश किया आपके इम्पेयर रूल को और नेशन स्टेट को स्टैब्लिश किया ठीक अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ़ यूरोप अब यूरोप के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं जिस समय यूरोप में ये सब हो रहा था रिवोल्यूशनस हो रहे थे लोग मोनाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे सिक्रट सोसाइटीज़ फॉर्म कर रहे थे नेशन स्टेट की बात हो रही थी जब ये सब हो रहा था तो उस समय आपके यूरोप की सोसाइटी कैसी थी वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी उनकी आइडियोलॉजीज़ कैसे थे वो लोग कैसे लोग थे आइए उनके बारे में जानते हैं द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन ऑफ पीपल दो सेक्शन ऑफ पीपल में आपकी यूरोप की सोसाइटी डिवाइड थी एक ऐसे पर्सन थे जिनको एरिस्टो एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था और एक ऐसे पर्सन थे जिनको कॉमन पीपल बोला जाता था और कॉमन पीपल में आपके दो थे एक आपके लो क्लास पर्सन और दूसरे आपके न्यू मिडल क्लास पर्सन लो क्लास पर्सनस में ऐसे पर्सनस आते थे जो लैंडलेस लेबर्स थे फार्मर्स थे पीजेंस थे और बहुत ही लो कैटेगरी के जिनके पास कोई जमीन वगैरह नहीं है जो वेजेस पे वर्क किया करते थे वो सभी और न्यू मिडल क्लास पर्सनस में आपके ऐसे पर्सनस आते थे जो वेल well एजुकेटेड थे लाइक टीचर डॉक्टर लॉयर बिजनेस पर्सन ठीक है अब देखिए एरिस्टोक्रेसीज मतलब कि एरिस्टोक्रेट्स ऐसे पर्सन थे जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ लैंड थे ठीक है जिनके पास ज़मीनें बहुत थी जो रिच थे जो आपके नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे मतलब कि किंग ठीक है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे आपके राजा महाराजा लोग ओके तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं ठीक इन यूरोप ऑल पर्सन हु देयर डोमिनेशन सोशली एंड पोलिटिकली आर नोन एज अरेस्टोक्रेसी जिसने पॉलिटिकली और सोशली पूरे के पूरे यूरोप पे अपना कब्ज़ा जमा रखा था लोगों पे अपनी हुकूमत जमा रखी थी वो आपके एरिस्टोक्रेट्स थे ओके दे इन्जॉय अलॉट ऑफ प्रिवलेजेस फ्राम बर्थ और इनके पास जन्म से ही बहुत सारे एक्स्ट्रा राइट्स थे दे फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ कंजरवेटिज़म कन्जरवेटिज़्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद रखिएगा आप लोग जो एरिस्टोक्रैट्स होते थे वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे एरिस्टोक्रैट्स आपके कंजरवेटिज़्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे कंजरवेटिज़म का क्या मतलब है कंजरवेटिवज़्ज़ का मतलब है एक आइडिया जो ये सोचता है कि जो भी सोसाइटी फॉर्म हो वो कैसे कस्टम पे ट्रेडिशनल कस्टम पे मतलब कि सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो पुरानी रीति रिवाजों पे बनी हो पुराने रीति रिवाजों से चल रही हो ओके okay? यहाँ तक आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि एरिस्टोक्रेसी इसके बारे में एरिस्टोक्रेसीज कौन थे आपके यूरोप में हर वो पर्सन जिसके पास बहुत ज़मीन थी जिसने पूरे सोसाइटी को पॉलिटिकली सोशली डोमिनेट कर रखा था पॉलिटिकली सोशली अपनी हुकूमत जमा रखी थी जिसके पास बहुत सारे राइट्स थे और जो कन्ज़र्वेटिव आइडियोलॉजी को फॉलो करता था उसको एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेट कहते थे अब आइए न्यू मिडिल क्लास पर्सनस के बारे में जानते हैं तो याद देखिएगा पूरे यूरोप सोसाइटी में हर वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्या है एजुकेटेड है जो पढ़ा लिखा था ठीक है वो आपका क्या था न्यू मिडल क्लास पर्सन अरिस्टोक्रेट्स भी पढ़े लिखे थे लेकिन उन्होंने सोशली पॉलिटिकली सबको डोमिनेट कर रखा था और आपके न्यू मिडिल क्लास पढ़े लिखे थे लेकिन इन्होंने सोशली और पॉलिटिकली सोसाइटी को डोमिनेट नहीं किया था इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा ओके इनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे ठीक है बर्थ सेंस सबके पास कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे और ये लोग लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस था दोनों के बीच में कि एरिस्टोक्रेसीज आपके कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और आपके न्यू मिडिल क्लास पर्सन लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का मतलब है कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे सभी पर्सन क्या हों इक्वल हों ओके okay, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सभी पर्सन क्या हो इक्वल हो किसी पर्सन के पास कोई भी प्रिवलेजेस ना हो किसी प्रकार का सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और इनक्वालिटी ना हो ओके okay, तो ये आप लोग याद रखिएगा ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि एरिस्टोक्रेसीज आपके कन्जर्वेटिज़म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और न्यू मिडिल क्लास पर्सनस आपके लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और पूरे के पूरे यूरोप में जो आपका रिवोलूशन हुआ उस रिवोलूशन को फैलाने में उस रिवोल्यूशन को बढ़ाने में न्यू मिडिल क्लास पर्सनस का बहुत ही बड़ा रोल है ठीक है दे ऑल प्ले अ वाइटर रोल इन द इन द स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशन इन होल यूरोप ओके आगे चलता हैं अब देखिए लिबर, लिबरल नेशनलिज का मतलब क्या है नेशनलिज का मतलब मैंने बता दिया था आप लोग पेट्रियाटिक फीलिंग टूवर्ड्स अवर नेशन इज नोन एज नेशनलिज्म ओके लेकिन यहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म कह रहा है तो आइए जानते हैं लिबरल का लिबरल का मतलब क्या है ठीक लिबरल का मतलब होता है फ्री देखिए लिबरल एक लैटिन वर्ड है इसका मतलब क्या है फ्री अब एक चीज आपको थोड़ा सा फैक्ट और बता दें कि आइडियोलॉजी लिबरल आइडियोलॉजी जो थी जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी वो पूरे के पूरे लोगों के दिमाग में पूरे के पूरे लोगों के दिमाग में वो आइडियोलॉजी आई थी आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन से लेकिन इसको फैलाया पूरे यूरोप में किसने इसको पूरे यूरोप में फैलाने में सबसे बड़ा योगदान सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके जैकोबिन मेंबर्स का था ठीक सेकेंड थिंग देखिए लिबरलिज का मतलब सभी पर्सन के लिए अलग था क्योंकि ऑक्यूपेशन वाइज सभी पर्सनस अलग थे कोई मर्चेंट था कोई ट्रेडर था कोई टीचर था कोई लॉयर था कोई डॉक्टर था तो इन सभी डिफरेंट ऑकुपेस पर्पज के लिए लिबरलिज्म का मतलब थोड़ा डिफरेंट था जैसे अगर एक कॉमन एक कॉमन फॉर्म देखें लिबरलिज्म का तो कॉमन फॉर्म से लिबरलिज का मतलब है कि फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल ठीक है अगर कॉमन तरीके से देखें तो लिबरलिज्म का मतलब ये होता है लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि सभी इंडिविजुअल को फ्रीडम हो वो जो भी करना चाहें अपने मनमानी तरीके से कर सकें उनके ऊपर किसी प्रकार के अथॉरिटी का कोई वो क्या कहते हैं बोलो किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी उनके ऊपर वर्क ना करे किसी अथॉरिटी के अंडर में वो न रहें फ्रीली जो भी डिसीजन वो मेक करना चाहे कर सकें और अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकें और एक ऐसा सोसाइटी हो जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके ऑकुपेशन के अकॉर्डिंग उनके क्या कहते हैं रिचनेस की अमीर है कि गरीब है उनके रेस के अकॉर्डिंग इन सभी बेसिस पे कोई भी इनक्वालिटी ना हो ये ऐप के एग्जैक्ट मीनिंग था लिबरलिज्म का लेकिन यहाँ पर लेबल का मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों के लिए अलग अलग था जैसे ट्रेडर्स और मर्चेंट के लिए क्या था ट्रेडर्स और मर्चेंट के लिए था कि ट्रेडर्स और मर्चेंट के लिए लेबलिज का मतलब ये था कि एक ऐसा मार्केट हो जहाँ पर वो फ्रीली मूव कर सकें किसके साथ अपने गुड्स और सर्विसेज के साथ ठीक है अपने गुड्स और सर्विसेज के साथ वो फ्रीली मूवमेंट ले सकें और कोई भी क्या कहते हैं टैक्स इम्पोज ना हो ठीक है कोई भी टैक्सेस उनके जो फ्री तरीके से वो गुड्स और सर्विसेज को लेकर एक मार्केट से दूसरे मार्केट जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जब वो मार्केट पहुंचे तो उनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जाएं तो ये टैक्सेस का एबॉलिशन भी होना चाहिए ठीक है टैक्सेस का एबॉल्यूशन भी होना चाहिए और वो फ्रीली अपने गुड्स और सर्विसेज को लेकर एक मार्केट से दूसरे मार्केट मूव कर सके तो देखिए कॉमन पीपल वांट अ लिबरल सोसाइटी वे आर ऑल द सिटीजन हैव इक्वल राइट कॉमन पीपल्स जो ये कॉमन पीपल्स थे भले ही ये डिफरेंट ऑक्यूपेशन के थे ऑकुपेन्स को करते थे भले ही ये क्या कहते हैं आपके इनके लिए लिबरलिस्ट का मतलब अलग अलग था लेकिन एक जो कॉमन मीन था आपके लिबरलिज्म का वो ये था कि ये एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ सभी के पर्सन सभी पर्सन के पास क्या हो इक्वल राइट्स हो ओके किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ठीक तो ये आप लोग जानने का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये भी आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा अगर मैं फिर मैं बार बार कहता हूँ मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंशन कर सकते हैं मैं उसको और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ओके okay? ओके okay, तो ये कस्टम यूनियन ठीक है देखिए हमने तीन टॉपिक कवर कर लिए हैं अब ये फोर्थ टॉपिक इस पर्टिकुलर पार्ट part का है कस्टम यूनियन ठीक है ये कस्टम यूनियन को कवर करते हैं अभी तक हमने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप को देखा ठीक है सेकेंड टॉपिक हमने देखा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप अरिस्टोक्रेसीज के बारे में और कॉमन पीपल्स के बारे में तीसरा टॉपिक हमने देखा लिबरलिज्म है ठीक है लिबरल नेशनलिज्म के बारे में और चौथा टॉपिक इस पर्टिकुलर पार्ट का है कस्टम यूनियन ठीक तो कस्टम यूनियन क्या था कस्टम यूनियन एक्चुअली आया क्यों था एटीन में कस्टम यूनियन को इंट्रोड्यूस किया गया इसे जॉलबरीन भी कहा जाता था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपके मोस्टली क्या कहते हैं जर्मन मोस्टली पार्ट इन ऑफ जर्मन स्टेट एंड पर्शिया परसिया में और जर्मन स्टेट के मोस्टली पार्ट में इस पर्टिकुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को जानते हैं उसके बाद हम ये समझेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था आपके इन यूरोपियन पर्टिकुलर प्लेसेस पे ओके तो देखिए इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पहला एबॉलिश एबॉलिश द ट्रेड एंड ट्रेड और टैरिफ बैरियर ठीक है जो ट्रेड बैरियर था उसको एबॉलिश कर दिया गया इस सिस्टम के अकॉर्डिंग दूसरा नंबर ऑफ करेंसीज़ को रिड्यूस कर दिया गया थर्टी से टू ठीक है जो नंबर ऑफ करेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी उसको रिड्यूस कर दिया गया थर्टी से टू तीसरा रेलवे नेटवर्क को क्रिएट किया गया ताकि ट्रेड को प्रमोट किया जा सके और इसका मेन इंटेंशन ये था कि जर्मन स्टेट को क्या किया जाए यूनिफाइड जर्मन स्टेट को यूनिफाइड किया जाए और जो आपके ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जाए तो ये इसका मेन इंटेंशन था इस पर्टिकुलर एक्ट का इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसका सिस्टम का आइए के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि ये आया क्यों था तो आपको बता दें कि जो भी ट्रेवलर्स थे जब वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे तो लार्ज नंबर ऑफ़ करेंसीज़ के होने के कारण बहुत ज़्यादा टैक्सेस होने के कारण बैरियर्स होने के कारण उनके ट्रेड को इफेक्ट पहुँच रहा था ठीक है अच्छी तरीके ट्रेड उनका प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था उनके ट्रेड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुँच रहा था तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ठीक है इस क्या कहते हैं उनके टैक्स उनके बिज़नेस को मोर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उनके प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए उनके प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए ट्रेडर्स के इस पर्टिकुलर सिस्टम को लाया गया अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं अगर कोई भी पर्सन हाउसबर्ग अम्पायर से नूरमबर्ग जाता था तो वो इलेवन कस्टम बैरियर्स पे करता था कितने एलेवन कस्टम बैरियर्स और सेकेंड थिंग हर एक पर्टिकुलर स्टेट्स का अपना वेट और मेजर सिस्टम भी डिफरेंट होता था तो ये आप चीज़ें समझ सकते हैं कि जब अलग अलग एक सामान को लेकर मैं एक सामान को लेकर मुझे यहाँ से दूसरे प्लेस जाना है तो रास्ते में कितने सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं और हर एक पर्टिकुलर स्टेट का अपना अलग वेट और मेजर सिस्टम है करेंसीज में तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो इससे मेरे ट्रेड में कोई प्रॉफिट होगा बिल्कुल भी नहीं होगा और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम में फेस करनी होंगी तो ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1834 में मोस्टली जर्मन स्टेट्स में और कुछ पार्ट परसिया में भी ठीक है मोस्टली जर्मन स्टेट में और परसिया में भी इसे जॉलवरिन भी कहा जाता था ठीक इसका मेन इंटेंशन था कि आपके ट्रेडर्स के प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जाए और जर्मन को यूनिफाइड किया जाए ठीक अब इस पर्टिकुलर वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है बैटल ऑफ वाटर लू तो ये बैटल ऑफ वाटर के बारे में जानते हैं क्योंकि इसी बैटल से आपके नेपोलियन बोनापार्ट का दी एंड हो गया था ठीक अब देखिए ये बैटल आपके जून 1815 में लड़ा गया वाटर आपके एक प्लेस है बेल्जियम बेल्जियम के पास बेल्जियम में आपके कहते ब्रसल्स है ब्रसल से, जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसल्स उससे साउथ में उससे साउथ में 11 किलोमीटर दूर ये एक प्लेस है वाटर लू वहीं पर बैटल हुआ था किसके बीच में नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में और एक एलियाम्स था ठीक है कई अलग अलग स्टेट्स का अपना एक एलियांस था उनके बीच में कौन कौन से स्टेट्स थे ब्रिटेन पर्सिया ऑस्ट्रिया एंड रशिया इन चारों के चारों स्टेट्स ने अपना एलियांस बनाया था ठीक है एक दूसरे का साथ दिया था इस बैटल में नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट करने के लिए और ये जो ये कंट्रीज़ का एलियांस था जब ये बैटल उन्होंने जीता तो उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को कहाँ भेज दिया था उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना भेज दिया था उसकी पनिशमेंट के लिए जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की मौत हो जाती है कब 1821 में 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मौत होती है याद रखिएगा बेटल 1815 में आ रहा था लेकिन उसकी मौत 1821 में होती है तो ये आप लोग पर्टिकुलर याद रखिएगा इससे वेरी सॉल टाइप क्वेश्चन कई बार बने हैं कि बेटल ऑफ वाटर लोग किन बीच लड़ा गया था तो आप इसको याद रखिएगा कब लड़ा गया था कहाँ लड़ा गया था और कौन जीता था और इस बैटल के बाद क्या हुआ था तो इस बैटल के बाद ट्रिटी हुई थी ट्रिटी ऑफ वीना जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही हमारे चैनल एजुकेशन हाइक्स पे आप सभी को मिलेगा जिसमें मैं और भी अच्छी तरीके से आपको हर टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बना रहे ओके तो अगर आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें